हेलो दोस्तों यार, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले यामा R5M के बारे में। जी हाँ गाइस, इस गाड़ी का जो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है एंड काफ़ी लोग जो है इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं एंड 50% जो है पसंद नहीं कर रहे हैं, R5 V3 को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा तीन न्यू जो अपडेट्स आए हैं R5M में एंड जो है एक न्यू फोटोज़ जो है लीक हुई है R5M में। सो गाइस, इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पे एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं बताया। सो मैं आप लोगों को इस गाड़ी का जो एग्जैक्ट प्राइस है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है आप लोगों को पता चल जाएगा जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है। इससे पहले आप लोग जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है दबा दीजिए, ठीक है। एंड वीडियो को जो है एंड तक देखना दोस्तों, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो जो भी सोच रहे हो कि R5M लेने के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, तो ज़रूर यार वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, 2008 में जो है पहली बार इंडियन मार्केट में R5 लॉन्च हुई थी एंड उसकी के बाद से 2018 में जो है R5 V3 लॉन्च हुई है। सो R5 V3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को उस टाइम पे 2018 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते थे जो कि किसी और 150 cc में नहीं थे, 150 cc बाइक्स में नहीं थे या फिर किसी और बाइक्स में भी नहीं थे, ठीक है। एंड काफ़ी इसका ज़्यादा पावर भी हम लोगों को मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू 150 cc। तो अभी जो है 2021 में जो है R5 7 को अभी न्यू अपडेट कर दिया जाएगा एंड ये जो अपडेट है ये फुल्ली जो है आप लोगों को R7 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। सो गाइज, अभी जो है कुछ दिन पहले हम लोग कुछ लीक्स जो फोटोज़ हुई थी, पहली जो फ़ोटो लीक हुई थी वो थी MotoGP एडिशन में एंड ये जो MotoGP एडिशन है फ्रंट से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था, एकदम मॉन्स्टर वाला लुक आ रहा था। उसके बाद जो है R5M का जो है और दो फोटोज़ लीक हुई थी जो कि था एक सिल्वर और ब्लैक वाला जो कि ब्लू कलर्स की एलोई व्हील्स में मिल रहा था एंड ये जो गाड़ी है मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, ये कलर अच्छा नहीं लगा। एंड जो तीसरी कलर हमारी लीक हुई थी वो थी ब्लू कलर जो कि R15 होने वाली है, ठीक है। MotoGP एडिशन का एक दूसरा फोटो लीक हुआ है एंड ये जो है साइड का लुक है आप लोग देख सकते हो एंड यहाँ पर जो है साइड से ये गाड़ी MotoGP एडिशन में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू बाइक्स, ठीक है। ब्लू वाला तो ठीक ठाक लग रहा था मेरे को, लेकिन जो अगर हम लोग सिल्वर की बात करें, सिल्वर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दीज टू बाइक्स, दीज टू कलर्स, ठीक है। एंड ये जो MotoGP एडिशन है गाइस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू कलर्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एग्जॉस्ट के ऊपर उसका जो मफलर है देख सकते हो आप लोग सिल्वर कलर का मिल रहा है एंड काफ़ी एक अट्रैक्टिव इस गाड़ी के साथ लग रहा है, लेकिन मेरे को जो पर्सनली लगा इस ये जो एज ये ब्लैक कलर में फुल्ली ब्लैक में है। सो इसको अगर हम लोग कंपनी की तरफ से मिल जाता फुल्ली ब्लैक कलर का मफलर तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता, ठीक है। सो ये तो थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर हो गया है, मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक के साथ सिल्वर में मिल रहा है जो कि थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ब्लैक में ही मिलता तो बहुत ही अच्छा लगता, ठीक है। सो दूसरी अगर हम लोग चेंज की बात करें तो गाइस यहाँ पे जो है टैंक को अगर हम लोग देखें, फ्यूल टैंक को, फ्यूल टैंक का जो बीच का पार्ट है वहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसा कि R5 V3 में जो MotoGP एडिशन आया था, मॉन्स्टर एडिशन आया था जो कि ब्लू कलर में था, इसमें भी हम लोगों को ब्लू कलर का जो बीच का पार्ट है वहाँ पे मिलेगा। एंड स्टिकरिंग की अगर हम लोग बात करें, साइड की स्टिकरिंग जो है इन दो गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि सिल्वर और ब्लैक और ये जो ब्लू वाला है R5 में, इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो अभी जो है हम लोग बात करते हैं इसमें जो है तीन मेजर अपडेट्स के बारे में, ठीक है। सो हमारी लिस्ट में जो पहली अपडेट है वो है मीटर कंसोल, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा कर दिया गया है यामाहा की तरफ से। हालांकि गाड़ी जो बनाया गया है उसको काफ़ी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई कोई बोल रहे हैं कि R5 V3 अच्छा था इससे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसको साइड में रखें, यहाँ पे जो है हम लोगों को मीटर कंसोल की अगर हम लोग बात करें, जो मीटर कंसोल है वो एक TFT मीटर कंसोल आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ गाइस, जो कलरफुल वाला TFT जो कि इंटरनेशनल R7 में मिलता है वैसे ही टाइप का यहाँ पे जो मिलेगा आप लोगों को मीटर कंसोल एंड देखने में जो है ये काफ़ी नाइट में अच्छा लगने वाला है, ठीक है। सो मीटर कंसोल में अगर हम लोग गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में हम लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड जो नेविगेशन का ऑप्शन मिलने वाला है जो कि अभी तक R5 में
या फिर यामाहा के किसी भी बाइक में इंडिया में जो है 150 cc के हिसाब से किसी भी बाइक में हम लोगों को नेविगेशन नहीं मिलता था, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को नेविगेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। दूसरी अगर हम लोग चेंज की बात करें तो वो है कि इसमें हम लोगों को अभी UHD सस्पेंशन मिलेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छा अपडेट है, ठीक है। क्योंकि जो आनफे V3 में हम लोगों को नॉर्मल जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था वैसे ही मिल रहा था, लेकिन इसमें जो है हम लोगों को UHD सस्पेंशन मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा एक अपडेट है, ठीक है। सो तीसरी जो हमारी चेंज होने वाली है वो है कि लुक्स। लुक्स सबको पता ही है, R7 से इंस्पायर्ड है, लेकिन कोई कोई बोल रहे हैं कि R7 को इंस्पायर नहीं करना चाहिए था, नॉर्मल R5 में ही अगर हम लोग यामा की तरफ से USD सस्पेंशन मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता, या फिर TFT डिस्प्ले जो मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो मेरे ख्याल से ये जो फोटोज़ अभी दिखाई दे रही है ये अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम लोग इसको रियल टाइम में देखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इसको देखेंगे फ़ोटोज़ में ना देख के, तो मेरे को जो लगता है इसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हो, क्योंकि ये R7 से इंस्पायर्ड होने वाली है, ठीक है। सो अभी जो है मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ कि चौथी अपडेट है, इसका जो प्राइसिंग है अभी तक कोई भी अपलोड नहीं किया है, कोई किसी ने भी अभी तक इसका प्राइसिंग जो है लीक नहीं किया है, ठीक है। सो इसका जो प्राइसिंग का एक लिस्ट है मेरे पास आ चुका है, कोई भी दोस्तों यूट्यूब पे अभी तक अपलोड नहीं किया है, ठीक है। सो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके लिए, ठीक है, स्पेशली इसी के लिए। तो हम लोग अगर प्राइसिंग की बात करें तो एक शोरूम जो प्राइस है वो रहने वाले हैं 1,80,000, एंड जो इंश्योरेंस है वो 12,000, एंड जो RTO चार्जेस है वो है 11,000, ठीक है। तो टोटल मिला के जो है 2,04,600, मतलब कि 2,05,000 के आसपास इसका प्राइसिंग रहने वाला है, ठीक है, जो कि R15M का प्राइसिंग है, ठीक है। अगर हम लोग R15 जो नॉर्मल वाले आने वाले उसकी बात करें तो इसमें आप लोगों को 1,90,000 से 95,000 का आसपास इसका प्राइसिंग रहने वाला है, ठीक है। बस बस यही था आज के लिए, कुछ अपडेट्स जो थे मेरे पास आप लोगों को शेयर करना था मैंने शेयर कर दिया है। बस आपका अभी एक ही काम है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए। एंड गाइस आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन जो है आप लोग यामा R15M को जो है लेने वाले हो, या फिर आपको R15 V3 जो है ज़्यादा पसंद आ रही है, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड जो है 10 में से आप लोग कितने स्टार्स इसके लुक्स में देने हो, लुक्स को देने वाले हो, ये भी मेरे को कमेंट्स में बता देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।